गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड मैं आज आया हूँ जम्मू, एंड मैं आपको आज एक यहाँ का काफ़ी अनपॉपुलर जो आपका एक बॉर्डर है जिसका नाम है सुचेतगढ़ बॉर्डर, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, मैं उसके पास आपको ले चलता हूँ और हम यहाँ से आज के दिन शुरू करते हैं। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि आप जब भी जम्मू कश्मीर आते हो, स्पेशली आपका जब जम्मू आते हो, तो आप सुचेतगढ़ जो बॉर्डर है आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो, क्योंकि ये जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो बहुत ही पास में है एक्चुअली। एंड उसी के दौरान मैं आज यहाँ आया था जम्मू, ताकि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करके देखूँ। वैसे बहुत कम लोग होंगे जिसको इस बॉर्डर के बारे में पता हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए इस ब्लॉग के थ्रू। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस ब्लॉग को एंजॉय करोगे, तो मेरे साथ बने रहना। तो ये आपका जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है, ये जम्मू से मुश्किल 27 से 28 किलोमीटर दूरी पर है। एंड मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप यहां आए और सुचेतगढ़ बॉर्डर को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इसके भी काफ़ी अपनी हिस्ट्री है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको भी अच्छा लगे। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम अभी जिस बॉर्डर के पास जा रहे हैं, सुचेतगढ़ बॉर्डर, ये कहा जाता है कि यहाँ पहले 1947 से पहले यहाँ ट्रेन चला करते थे। उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन हो गए थे, उसके बाद से जो आपके ट्रेन है वो चलना बंद हो गई। गाइस, अब हम पहुंचने वाले हैं सुचेतगढ़ बॉर्डर, और ये जो बॉर्डर है इसको बीएसएफ वाले इसके रखवाले करते हैं। एंड ये रहा हमारा ब्यूटीफुल इंडियन फ्लैग जो लहराते हुए। गाइस, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, एंड उसी के दौरान मैं कुछ फ़ोटोज़ खींचा हूँ, आप सबको मैं शेयर करूँगा। अब मैं आया हूँ यहाँ आपका रघुनाथ मंदिर में, जो सबसे पहला रघुनाथ मंदिर है। और ये जो है आपका रघुनाथ मंदिर, एंड ये है आपका जो मंदिर है वो 1837 में गुलाब सिंह, जो जम्मू का पहला राजा था, उन्होंने बनवाया ये मंदिर। ये है आपका बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल पास में। सो गाइस, आप जब भी सुचेतगढ़ बॉर्डर आते हो तो आप इस मंदिर में आ सकते हो और यहाँ दर्शन कर सकते हो। गाइस, ये सो सारा जगह है, ये आपका बीएसएफ वाले आपको सिक्योरिटी देते हैं हमें। एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बीएसएफ का फुल फॉर्म बताना, एंड आपको तुरंत पता ना चले तो समझ लेना कि आपके जीके बहुत ही ख़राब है। अब बॉर्डर के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं वेटलैंड। ये जो वेटलैंड है ये आपका घराना गांव में पड़ता है। आपको कभी किसी से पूछना हो कि कैसे आना है तो घराना गांव नाम बता देना। नाउ वी आर हीयरिंग टुवर्ड्स वेटलैंड, जो कहा जाता है कि यहाँ पे आपका जो वेटलैंड है वहाँ काफ़ी जो पक्षी हैं वो आते हैं विदेशों से, तो देखते हैं हमारे नसीब में होंगे तो हमें देखने को मिल जाए। जैसे आपको मैं ये बता दूँ कि ये जो सुचेतगढ़ बॉर्डर एंड जो आपका ये वेटलैंड सेंचुरी है, ये दोनों आपका जम्मू टूरिज्म के अंदर आते हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ इंडिजीनियस बर्ड्स ऑफ घराना वेटलैंड्स रिजर्व, तो ये भी आपका जम्मू टूरिज्म में आता है। यहाँ इस तरह के पक्षियाँ देखने को मिलते हैं, फॉरेन बर्ड्स। गाइस, तो आपको बता दूँ ये जो आपका माइग्रेटेड बर्ड्स है इसमें कम से कम 20 से 21 स्पीसीज है। एंड ये आपका आता है साइबेरिया से एंड सेंट्रल एशिया से। एंड ये जो आप ज़मीन देख रहे हो ये एक्चुअली ये फार्मर्स के हैं, एंड सिंस 2014 से आज तक मतलब गवर्नमेंट जो है उनको कंपनसेट करके ये देना चाहते हैं कि इसको हम अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, लेकिन आई गेस फार्मर्स उसके लिए रेडी नहीं है। तो ये रहा आपके पीछे वेटलैंड जहाँ पर आपका फॉरेन बर्ड्स आते हैं। पक्षियों को कोशिश करता हूँ जूम करके, ये देखिए इतने सारे पक्षी हैं।
यहाँ सारी जगह इंडिया में आके सर्दियों का मज़े ले रहे हैं, फिर यहाँ जब गर्मी हो जाएगी, अपने देश में गर्मी हो जाएगी, तो वापस भाग रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो पक्षी है ये बिल्कुल पास में नहीं आती, ये हमसे भागते हैं इंसानों से, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। और अच्छा भी है कोरोना के लिए डिस्टेंस मेंटेन रखना, नहीं तो क्या पता उनको भी कोरोना लग जाए। गाइस ये जो बर्ड्स देख रहे हो ये आपके मार्च के एंड में इंडिया से वापस अपने देश के लिए निकल जाते हैं। ये देखिए ये सारे पक्षियों को यहाँ आके ऐसा फील होता होगा जैसे इंडिया की गोवा में आए हैं गर्मियों में नहाने समंदर में, और जब अपने देश में तो हल्की फुल्की गर्मी होने लगेगी तो ये सारे भाग जाएंगे यहाँ से। कितने चला गए ना ये, अब बहुत थका देने वाले दिन के बाद मैं यहाँ वेटलैंड में चाय पी रहा हूँ। Guys, so this was all about today's vlog, and if you like this vlog then please comment, like and subscribe to my channel. I will see you guys in the next vlog again. Bye.